Hello to my brilliant students and welcome back again to your and my only channel which is Biology for Inquisitive Minds. आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टडी किया था आपकी जीनस एंड आपकी स्पीशीज के बारे में, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पढ़ना हायरार्की को. हायरार्की मीन्स इट्स दी कैटेगरी ऑफ द रैंक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीशीज एंड गोइंग अबव टिल योर किंगडम. ठीक है, तो हमने दो कैटेगरीज को सबसे पहले स्टार्ट किया था, विच इज अ स्पीशीज विच इज द लोएस्ट रैंक एंड उसके बाद जीनस जो उसके ऊपर का थोड़ा जो स्पीशीज से ऊपर का हाइएस्ट रैंक होता है. स्पीशीज में हमने ये पढ़ा था कि उसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, इंटर रिलेशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. उसके ऊपर का जो जीनस आता है उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, बट जो कोरिलेशन होता है, जो सिमिलैरिटीज होती हैं, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं. जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन कम होता जाता है और उसमें जो आप कह सकते हैं कोरिलेशन उसमें कम होता जाता है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको पढ़ना, उनको कैटेगराइज करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है. तो बिफोर गोइंग इनटू योर नेक्स्ट रैंक, इनटू योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि हमारा क्लास फैमिली ऑर्डर है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन. क्योंकि वेन आई वॉज सर्चिंग फ्यू ऑफ द टॉपिक्स एंड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आई गॉट टू नो दैट एंड दीज क्वेश्चन दे आर वेरी जर्नल क्वेश्चन एंड दे हैड ऑलरेडी अपेयर्ड इन योर वेरियस एंट्रांस एग्जाम्स. तो उन्हीं के बेसिस पे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू टूडे द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू कैन बी आस्क्ड कि जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो टेक्सोनॉमी है, उसमें सबसे लोएस्ट रैंक किसका है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हु गेव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी, हु इज डी कैंडोल, व्हाट इज सिस्टमा नेचरे, व्हाट इज सिस्टमा प्लांटरम. दीज टू वर द बुक्स जिसमें कि आपके साइंटिफिक जितने भी नेम्स हैं, इट वॉज गिवन बाय योर साइंटिस्ट. ठीक है, नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी कम. अब देखो ऐसा है कि जो बेसिक लेवल है उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो टफ लेवल है वो तो आता ही आता है. तो अब हमने क्या कहा था कि हम हमेशा बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि हु गेव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, हु गेव सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव और सिक्स में किसमें डिफरेंस आया था, किसने दिया था, किस बेसिस पे दिया था, और सबसे ऊंचा एक किंगडम से भी हाईएस्ट रैंक किंगडम से ऊपर होता है जिसे हम सुपर किंगडम कहते हैं, एंड दैट इज अ डोमेन. डोमेन इज अ सुपर किंगडम एंड व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ डोमेन. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट कैटेगरीज, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू द करंट सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग दैट वॉज गिवन बाय योर कार्ल वूज. एंड दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स दैट आई कैन नॉट टेल यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ जस्ट लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द, एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ ट्री लाइक structure over here in the whiteboard which is showing you the different domain also and your different six kingdom classification also which was given by your Carl Woese. So I have written one of the line over here, the domain is the highest taxon and the species is the lowest taxon, because in this system I have also written here the domain over the kingdom. Okay, earlier I didn't tell you kyunki main nahi chahti thi ki aap confuse ho jaye, but ab hame pata chal gaya ki species se kingdom ki hierarchy hoti hai, to uske upar ek aur uska super kingdom hota hai jise hum domain kehte hain. We have hundreds of mnemonics which is available in the Google and you can Google them and you can learn them, and two of the easiest mnemonics I have written here, and this way you can learn the this hierarchy of your taxonomy starting from the species and going above to your kingdom. So what is it? ठीक है,
अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अगर हम डोमेन से स्टार्ट करते हैं स्पीशीज तक, तो इजिएस्ट निमोनिक्स क्या हो सकता है? आप निमोनिक्स अपने आप भी बना सकते हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे इजिएस्ट मेथड यूज करना जिससे कि आपको चीजें लर्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज DKPCOFGS, ठीक है? सो हाउ कैन यू लर्न देम? सो अमंग दीज द फर्स्ट वन इज डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर द ग्रेट स्पेन। The another one which I have written also, keep pets clean or the family gets sick. आप देखो कैसे बना ये mnemonics, K for kingdom, K for keep, phylum pets, class clean, order or family genus gets species sick. तो these are some of the tricks by which you can learn this hierarchy. क्योंकि बेटा अगर आपको hierarchy नहीं पता होगी, तो अगर आप genus के बाद मानो species के बाद अगर आपने गलती से आप क्लास में पहुंच गए तो फैमिली इन ऑर्डर तो रह गया, और अगर फैमिली इन ऑर्डर रह गया यू विल नॉट बी एबल टू इंटरलेट द ऑर्गेनिजम्स। इफ आई गिव यू वन और इफ आई गिव यू टू एग्जांपल्स कि आपके पास एक फैमिली एक फैलिडिए है और एक कैनिडिए है एंड आपको उनको क्लासिफाई करना है, तो अगर बीच से आप हायरार्की भूल जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ जाएगा, ठीक है? सो इट्स वेरी इजी, कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक मीन्स किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है? सो दिस इज योर वन ऑफ द निमोनिक बाय विच यू कैन इजिली लर्न द थिंग्स। सेकेंड थिंग, द करंट सिस्टम दैट इज अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय योर कार्ल वूस एंड वी हैव द डोमेन विच आई हैव रिटन हियर। वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स एंड वॉट आर दीज डोमेन्स इज द नंबर फर्स्ट डोमेन इज योर यूकेरिया, सेकेंड वन इज योर बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज योर आर्की। अब आर्की बैक्टीरिया और जो आर्की एक वर्ड है, इसका मतलब ये होता है इन योर हॉट टेम्परेचर, इन योर हॉट कंडीशन। सो इन दी नेक्स्ट वीडियो और आने वाली आगे वीडियोज में व्हेन वी विल स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बैक्टीरिया जो कि फाइलम मोनेरा में आता है, इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर आर्की बैक्टीरिया। एंड आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है इन योर हॉट स्प्रिंग्स, इन योर वॉल्केनिक इरप्शंस, दे कैन ग्रो अप टू योर 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर। सो एज यू कैन सी द लिटिल क्रिएचर्स आई हैव ड्रॉन हियर फॉर यू पीपल, सो दिस इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव। इसमें सबसे पहले बीच जैसे में मैंने आपको बनाए हैं आपके यूकेरियोटिक, आपके यूनिसेलुलर और आपके मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट्स, ठीक है? तो दिस इज योर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में आपके आते हैं क्लमाइडोमोनास, आपके युगलीना, आपका अमीबा, आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम स्लिपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं क्योंकि वो स्लिपर की तरह दिखता है, ठीक है? देन एज यू कैन सी आई हैव ऑल्सो ड्रॉन अ डायग्राम ओवर हियर। देन योर कम्स सेकेंड कम्स योर बैक्टीरिया, बट बिफोर गोइंग इन टू द बैक्टीरिया लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट समथिंग, why we have placed this protista, this your plant, this animal and this fungi in your domain eukarya, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर किंगडम है जिसमें ये सभी के सभी जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकेरियोटिक हैं। व्हाट इज यूकेरियोटिक? यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोटिक एंड प्रोकेरियोटिक बच्चे, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग जो आप नाइन्थ में पढ़ते हैं और उससे भी पहले पढ़ते हैं, ठीक है? यूकेरियोटिक एंड प्रोकेरियोटिक को इजिएस्ट सिंपल मेथड है कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है? दूसरी बात, उनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। वी आर फेमिलियर विद व्हाट इज ऑर्गन एंड व्हाट इज ऑर्गेनली, ठीक है? सो आपके प्रोकैरियोट में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसीलिए उनका डीएनए बिल्कुल साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, अकेला, बिल्कुल तन्हा। और जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है वो प्रोकैरियोट में नहीं होती है, ठीक है? सो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंस विच यू शुड नो। तो जितने भी आपके ये आपके यू कैन से जो ग्रुप्स हैं, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, आपके फंजाई और आपके एनिमल, दे कम अंडर योर डोमेन यूकेरिया,
ठीक है, तो ये इतनी सी बात हम याद रखेंगे। सेकेंड डोमेन में चलते हैं, विच इज योर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि आपके यू बैक्टीरिया भी आएंगे, मीन्स जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आ सकते हैं। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल होता है। दे आर प्रोकैरियोट्स, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, जिनका डीएनए ऐसे बिखरा पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, ये आपका डोमेन बैक्टीरिया आ गया। थर्ड डोमेन है आर्की। आर्की जो आपका होता है, दैट इट इंक्लूड्स योर आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आई ड्रॉन द आर्की बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ओवर हियर। दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट, बट व्हाट इज द डिफरेंस इज वो हमेशा हॉट आपके एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तीन डोमेन्स हो गए। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्ट किया प्रोटिस्ट से, प्रोटिस्ट के बाद हम गए प्लांट्स में। प्लांट्स में वैसे तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल एंड योर आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, बट हमने स्टार्ट कर दिया प्रोटिस्ट से। सेकेंड हमारे पास प्लांट्स आते हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद द प्लांट्स। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। ठीक है, एंड सेकेंड आपके आते हैं एनिमल्स, यू ऑल आर फेमिलियर विद एनिमल्स। आप सभी लोगों ने एनिमल्स को देखा हुआ। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो योर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल। ठीक है, दे आर योर यूकैरियोटिक मीन्स वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज द मास्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। हु इज द इंजन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द इंजन ऑफ सेल। वाई, क्योंकि सारी की सारी सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें लर्न करने वाली है। Then comes your fungi. As you can see, a beautiful little fungi I have drawn here. ठीक है, और fungi means जो आप मशरूम खाते हैं वो भी एक fungi है, but we cannot eat all the fungi क्योंकि कुछ fungi's आपकी poisonous भी होती है। ठीक है, fungi's आपके यूकैरियोट होती हैं। ठीक है, and they are your multicellular again. Then comes your जो bacteria. Okay, bacteria में you can say कि देखो, अब बैक्टीरिया जो है उसका अंदर ये जो डीएनए है ये आपका बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इट हैज अ दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्लैजेला एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ये ज्यादा से ज्यादा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए व्हाट इज द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड हु गिव द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। देन कम्स व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज द स्पीशीज। इसको घोल के पी जाओ। And the term taxonomy was coined by D. Kendall in 1813. This is the second important line. Third, who gave the five kingdom classification, that was R.H. Whittaker. And who gave the six kingdom classification, that was your Carl Wurst. Again, five question isi se ban gaye. What are the three domains? The one is eukarya, the one is your eubacteria, and the one is your this is archaebacteria. ठीक है, so they are very important for you. So आगे हम पढ़ते हैं हमारी अनदर, जो हमने पहले स्पीशीज एंड जीनस पढ़े थे, now we are going to the family and the order. ठीक है, तो इसके बाद हम immediately start करते हैं। चलो जी, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके डिफरेंट हायरार्कीज के बारे में दोबारा से। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फैमिली। ठीक है, जैसे हमने स्पीशीज पढ़ी, जैसे हमने जीनस पढ़ी, नाउ वी आर गोइंग टू योर फैमिली। फैमिली में आपके रिलेटेड जेनेरा आता है, मतलब फैमिली में आपका रिलेटेड जीनस आता है। रिलेशन से ये हमने नहीं समझना है कि उसमें सिमिलैरिटीज भी उतनी ज्यादा होंगी। रिलेशन मीन्स ओके, आपके जो आपके जीनस में आपके जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, हो सकता है उनमें आपकी रिलेशन हो, बट जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ योर रिलेटेड जेनेरा एज योर जीनस वाज इन द रिलेशन टू द डिफरेंट स्पीशीज। नाउ अब इसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क भी किया है, दैट इज द लेस नंबर ऑफ कॉमन सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पीशीज। स्पीशीज में सबसे ज्यादा थी, जीनस में उसमें कम, उससे कम हुई, एंड फैमिली में उससे भी कम हो गई। ठीक है, so the second important thing which you need to keep in your mind is how can we categorize all the things. So in case of a family, they are categorized, means the different organisms are categorized on the basis of vegetative and the sexual properties. अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन देते हैं आपके, स्टेम्स देते हैं, रूट्स देते हैं, बर्ड्स देते हैं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स आपके फ्लावर्स देते हैं, क्योंकि फ्लावर्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है,
Now, I have taken here two of the examples in case of the family. हम family के बारे में पढ़ रहे हैं. So that three different genera, तीन different genus जो हमने पढ़े थे, ठीक है? कौन कौन से? एक solanum जिसमें सारे के सारे आपके brinjal भी आ जाते हैं, eggplant भी आ जाता है, potato भी आ जाता है, ठीक है? Which is solanum tuberosum, okay? And सेकेंड इज पेटूनिया विच इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर जो सर्दियों में आपके घरों में भी लगता होगा, ठीक है. थर्ड इज दतूरा एंड ऑल ऑफ यूर फेमिलियर विद दतूरा बिकॉज दैट इज यूज इन योर शिवरात्रि, ठीक है. शिव जी भगवान को खुश करने के लिए दतूरा यूज करते हैं. सो दीज थ्री जीनस माइट बी हैविंग सम ऑफ द रिलेशन बिटवीन देम बट नॉट सो मच सिमिलैरिटीज. इन तीनों को हमने कौन सी फैमिली दे दी? सोलेनेसिए. सोलेनेसिए में ये तीनों जीनस अपने आप को फिट करते हैं, ठीक है. अब हो सकता है कि सोलेनम में, पेटूनिया में और डटूरा में इनके वेजिटेटिव फीचर्स मैच करते हो या फिर आपके रिप्रोडक्टिव फीचर्स मैच करते हो, इनके फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला सेम हो, इनके करोला अटैच्ड हो, इनकी एस्टिवेशन, ये जो ये सारी जो मैं भारी भरकम टर्म यूज करती हूँ ये सब हमने आगे पढ़नी है, ठीक है. सो नेक्स्ट आते हैं आपके एनिमल्स. और एनिमल्स में जो हमारा जीनस था पेंथरा टिग्रिस, पेंथरा लियो, पेंथरा पार्डस, ठीक है. तो पेंथरा में आपके लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, ठीक है. सो ये जो तीनों थे हमने इन तीनों को फैमिली दे दी. अच्छा अब मैंने आपको बताया कि पेंथरा तो आया, पेंथरा में लॉयन सॉरी आपका लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है. उसके साथ साथ में हमने जीनस फेलिस भी ले लेना और फेलिस में जितनी भी कैट आती है वो सभी आती है, ठीक है. तो इंक्लूडिंग द जीनस फेलिस हमने कैट को उठाया, हमने लॉयन टाइगर लेपर्ड को उठाया और हमने उसको फैमिली दे दी फेलिडिए. तो जब भी अगर हमसे पूछते हैं कि कैट फैमिली कौन सी है या लॉयन फैमिली कौन सी है, दैट इज योर फेलिडिए. और पेटूनिया की, सोलेनम की, दतूरा की कौन सी फैमिली है, वो है सोलेनेसिए. दो क्वेश्चन लर्न हो गए हमें, ठीक है. सेकेंड, अब थर्ड फैमिली आती है कैनिडिए. तो हमने सुना होगा कि जो आपके केनाइन्स होते हैं, ठीक है, केनाइन्स को टीथ से याद रखना कि जो हमारी इंसीजर्स, क्रेनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, तो केनाइन्स क्या काम करते हैं, ठीक है. दे आर हेल्पफुल इन टियरिंग. तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, दे यूज द केनाइन्स. सो कैनिडिए में द जेनरा ऑफ द कैनिस, कैनिस मीन्स अ डॉग, उसमें फॉक्स भी आ जाएंगी, उसमें वुल्फ्स भी आ जाएंगे, एंड ऑल ऑफ देम आर गिवन अ फैमिली विच इज कॉल्ड अ डॉग फैमिली एंड द नेम इज योर कैनिडिए. तो तीन चीजें हमें इस टाइम लर्न हुई हैं कि फेलिडिए फैमिली में कैट फैमिली आएगी एंड कैनिडिए में डॉग फैमिली आएगी एंड सोलेनेसिए में आपका पेटूनिया, सोलेनम और डटूरा, ये तीनों आएगा, ठीक है. गोइंग टू योर सेकेंड, अब इससे जीनस सॉरी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, देन अब उससे हायर रैंक है ऑर्डर, ठीक है. फैमिली से हायर आपका रैंक आता है ऑर्डर, एंड ऑर्डर में भी सेम अगेन वही चीजें आ गई, रिलेटेड फैमिलीज विद फ्यू सिमिलैरिटीज. अब और भी कम सिमिलैरिटीज हो रही हैं, क्योंकि मैम ने आपको एक और चीज बताई थी बच्चों की, जब हम स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अप, दीज सिमिलैरिटीज आर गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है ना. सो वन और मोर रिलेटेड फैमिली. अब देखो यहां पर हमने जितनी भी फैमिलीज ली है, ठीक है, वन और मोर, मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, हमने वन और मोर बोला ना मैंने, तो हमने एक कैनिडिए फैमिली ले ली और हमने एक फैलिडिए फैमिली ले ली, वन और मोर रिलेटेड फैमिली ले ली, ठीक है, विथ फ्यू कैरेक्टर्स एंड विथ दी लेस सिमिलैरिटीज देन द फैमिली, ठीक है. हो सकता है अगर मैं आपको एक कैट और डॉग को इमेजिन करने को बोलूं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है. सिमिलैरिटी कहाँ आ सकती है कि दोनों के दोनों ही तुम्हारे कार्निवोर हैं, दोनों के दोनों फ्लैश शूटिंग है, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑर्डर, ठीक है, विच इज एक्सक्यूज मी विच इज हायर रैंक देन योर फैमिली, ठीक है. अब देखो, अब हमने एक ऑर्डर ले लिया कार्निवोरा. तो कार्निवोरा में जितनी भी हमारी फैमिलीज आएंगी, कैनिडिए डॉग फैमिली, फेलिडिए कैट फैमिली, हाइनिडिए में हाइनाज आते हैं, ठीक है. हाइनाज आपके जंगल में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है. एंड दे आर वेरी लाइक, अगर आप उन्हें गूगल में सर्च करेंगे ना, बहुत सारा खूंखार टाइप होते हैं, ठीक है, हाइनाज. तो जो कैनिडिए, फेलिडिए और जो हाइनिडिए है, इन तीनों फैमिलीज को उठा के हमने ऑर्डर कार्निवोरा में रखा. क्यों रखा? इजिली रखा क्योंकि आई रिटन या वाई, बिकॉज ड्यू टू केनाइंस, बिकॉज दे यूज देयर केनाइंस, दे हैव अ पावरफुल जॉज, दे हैव क्लॉज एंड दे हैव फ्लैश ईटिंग एनिमल्स.
सो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स क्या शो करती है, कार्निवोर का ऑर्डर शो करती है. ठीक है, देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट आपका जो एग्जाम्पल है इज योर फैमिली. ठीक है, अब हम प्लांट में आ जाते हैं. वन इज योर सोलेनेसी एंड वन इज योर कॉनवोल्व्यूटेसी. ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने को ट्रिकी होता है. ठीक है, ये दोनों के दोनों फैमिलीज को हमने ऑर्डर में रखा है पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स दे आर द ऑर्डर्स विच आर सेट अकॉर्डिंग टू द फ्लोरल एंड योर सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑफ योर कॉनवोल्व्यूटेसी एंड सोलेनेसी. ठीक है, अब है क्या, फॉर एग्जाम्पल जो कॉनवोल्व्यूटेसी है जो सोलेनेसी है, इसमें इन्होंने किसके बेसिस पे इसको रखा कि द फ्लावर विद द स्टेमन, स्टेमन इज अ मेल पार्ट, एडनेट मीन्स टू स्टिक एडहर टूगेदर, टू द करोला, करोला मीन्स अ ग्रुप ऑफ पेटल्स. ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज प्रिमरोज. तो कॉनवोल्व्यूटेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में ऐसे फ्लावर हो सकते हैं जिनके स्टेमन्स करोला से एडहेयर होते हैं, एंड द डायग्राम फॉर यू आई हैव ड्रॉन हियर ऑलरेडी. ठीक है, दिस इज द ओवरी, दीज आर रेड कलर्स आर योर करोला, एंड द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज शोइंग द स्टेमन विच इज एडहेयरिंग टू द करोला, एंड दैट एक्चुअली कम्स इन द ऑर्डर कॉल्ड पॉलीमोनियल्स विच कंटेन्स द टू फैमिली विच इज सोलेनेसी एंड कॉनवोल्व्यूटेसी. दे माइट बी हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज स्टेमन इज अटैच टू करोला. And the example is your primrose. ठीक है, so ये दो चीजें बहुत ज्यादा important है. इसके बाद next हम पढ़ेंगे इससे higher classification, your now your class will come. ठीक है, अब हम इसमें class के बारे में पढ़ेंगे. Okay, fine. Now we are coming to your next taxa, which is called your class. ठीक है, तो class में अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो class में we have the related orders, okay? But what is important is certain similar correlated characters. अब इसमें सिर्फ थोड़े से certain similar correlated characters होंगे हमारे class में. I'm again repeating, as we are going from your species to your genus to your family to your class and to different higher order ranks, the number of the similarities they are going to get decrease, okay? For example, if we take the class mammalia, तो mammalia जब भी आपको कोई word बोलता है तो उसे याद रखना M for mammalia and M for mammary glands. ठीक है, तो सो द क्लास मेमेलिया विच इंक्लूड्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि अब हमने क्लास में क्या पढ़ा कि रिलेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो ऑर्डर्स अभी हमने पिछले क्या क्या पढ़े, एक हमने पढ़ा कार्निवोरा जो कि फ्लैश ईटिंग होते हैं, जिसमें आपके कैनिडिए फैमिली भी आएगी और जिसमें आपके फेलिडिए फैमिली भी आएगी. ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटर्स में आपके जितने भी जो मंकीज होते हैं, ठीक है, जो मंकीज होते हैं वो प्राइमेट ऑर्डर्स में आते हैं. देन कार्निवोरा, वी नो दैट द फ्लैश ईटिंग वंस, द रोडेंशियल, इसमें रोडेंट्स आते हैं. द लागोमोर्फा, लागोमोर्फा में हमारे आते हैं द क्यूट रैबिट्स. ठीक है, एंड इंसेक्टिवोरा, द इंसेक्ट ईटिंग वंस, ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द मैमल्स विच हैव योर मेमरी ग्लैंड्स विच इज इन द मेमरी ग्लैंड्स एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन दोज एनिमल्स विच फीड देयर यंग वंस. ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड जिनके पास होंगे, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, जिनकी बॉडी में हेयर्स होंगे, so all these characters actually they are included in the class mammalia, and this is the easiest example to learn. ठीक है, after the class we have a phylum. Now phylum is much higher than your class. Phylum के बाद आपका second most highest आता है जो कि kingdom है, और kingdom के बाद हमारा domain हो जाता है, जो domain हमने already discuss कर दिया. ठीक है, तो फिर हमारा आता है phylum. The important question is who coined the term phylum? He was your John Cuvier, and I have written here. ठीक है, फाइलम उसने बोला एनिमल्स के लिए और डिवीजन उसने बोला प्लांट्स के लिए. ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो फाइलम होती है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए डिवीजन यूज होता है, फाइलम कभी यूज नहीं होता है. ठीक है, अगर आप किसी प्लांट की हायरार्की लिखते हैं तो आप जब किंगडम लिखते हैं, फाइलम लिखते हैं, फाइलम फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन आप लिखेंगे प्लांट्स के लिए. तो जॉन क्यूवियर वॉज द वन हु गेव, सॉरी नॉट गेव, हु क्वाइन द टर्म. ठीक है, क्वाइन द टर्म मीन्स क्वाइन, सॉरी टर्म को देना. So the now this phylum have the few similar correlated characters. Few similar, थोड़े से रह गए. ठीक है, और जब हम किंगडम में पहुंचेंगे तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे.
सो फॉर एग्जाम्पल दी क्लासेस लाइक अब हमने क्लासेस क्या पढ़ी, एक मेमेलिया पढ़ी, बहुत सारी क्लासेस होते हैं, योर रेप्टेलिया, योर एव्स, योर एम्फीबिया, एम्फीबिया में सारे एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है, रेप्टेलिया में सारे रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स में सारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है. सो अब क्लास है मैमल, पाइसिस फिश, एम्फीबिया में जो एम्फीबियंस आते हैं फ्रॉग्स, रेप्टिलिया में जो ट्राइल्स आते हैं जैसे स्नेक्स, एंड एव्स जिसमें आपके बर्ड्स आते हैं, ऑल ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड इनटू द फाइलम विच इज कॉल्ड द कॉर्डेटा. ठीक है, कॉर्डेटा मींस, देखो अब कॉर्डेटा एक आप कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका आपके वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है एंड आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. तो जो आपके मैमल्स हैं, जो आपकी जो पाइसेस हैं, जो एम्फीबिया है, जो रेप्टाइल्स हैं और जो एव्स हैं, वो नोटोकॉर्ड्स में आते हैं. अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द योर कॉर्डेट, और कॉर्डेट्स में होता क्या क्या है, ठीक है. तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन विच आई नीड टू टेल यू इज सम कॉर्डेट्स डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम. पहले तो आपको ये समझना है कि वर्टिब्रल कॉलम हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, बैकबोन, तो स्ट्रॉन्ग बैकबोन, ठीक है, जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर अंडर दी योर द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट गोज डाउन टू अंटिल योर लंबर रीजन. सो ऑल कॉर्डेट्स डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम, ऑल कॉर्डेट्स, बट ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है, उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड एक आप कह सकते हैं एक मसल लाइक एक लेयर होती है, ठीक है, वो दिखती हमारी नर्व जैसी है बट उसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं. दैट इज नॉट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो हर वर्टिब्रेट में होगी, बट ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगी, पर जो बैकबोन है वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है. आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन योर वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट ऑल्सो, डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट दैट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉर्डेट्स में ऐसा होता क्या क्या. कॉर्डेट्स में सबसे पहले होते हैं नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड आप कह सकते हैं इट्स अ मस्कुलर टिश्यू विच इज प्रेजेंट मोस्टली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, चलो बच्चा अगर हम नहीं बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड एट नॉट एवरी, ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट की और आपके देर आर सम कॉर्डेट्स विच पोजेस दिस नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. देन सेकेंड इज योर डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. अब हमने क्या पढ़ा था कि सम कॉर्डेट्स डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि कुछ कॉर्डेट्स के पास डॉर्सल मीन्स अपर, ठीक है, होलो मीन्स खाली, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. वर्टिब्रल कॉलम मीन्स जो बैकबोन है और जो बैकबोन के अंदर जो आपका एक न्यूरल कॉर्ड जाती है दैट एक्चुअली गेट्स प्रोटेक्टेड बाय योर वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स उसको बैकबोन प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है. इट हैज फेरिंजियल गिल स्लिट्स. अब फेरिंजियल मीन्स इन रिलेशन टू द थॉरिक्स और द फेरिंग्स. जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हुआ करते थे उनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती है फॉर योर रेस्पिरेशन. एंड द पोस्ट एनल टेल. अब नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फिश ओवर हियर, तो ये इसकी पोस्ट एनल टेल है और ये जो पोस्ट एनल टेल है ये क्या करती है फॉर द प्रोपल्शन, फॉर द मूवमेंट. सो अब फिश क्या है, फिश एक कॉर्डेट है, ठीक है, एंड इसीलिए जो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर कॉर्डेट्स, ठीक है. और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में वर्टिब्रल कॉलम होती है और हो सकता है कि जरूरी नहीं है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है. इसके बाद हम छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं आपके कॉर्डेट में और आपके वर्टिब्रेट में, फाइन. ओके, सो बिफोर टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट, लेट्स जस्ट फिनिश दिस हायरार्की. सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर किंगडम, ओके, एंड एज वी हैव नाउ रीच्ड फ्रॉम योर स्पीशीज टू द किंगडम, सो योर किंगडम एक्चुअली हैज अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में जो भी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो तुम्हारे किंगडम में आते हैं. जितने भी प्लांट्स होंगे वो प्लांट किंगडम में होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे वो एनिमल किंगडम में होंगे, ठीक है. देन जो आपके एनिमल किंगडम है यू कैन कॉल देम मेसोफाइटा ऑल्सो, और जो आपके प्लांट किंगडम है यू कैन कॉल देम मेटाफाइटा ऑल्सो. एंड अबव योर किंगडम वी हैव अ सुपर किंगडम दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, दैट इज योर डोमेन.
डोमेन में आपके आर्की डोमेन आएगा, आपका यूकेरियो आएगा, आपका बैक्टीरिया आएगा. अगेन जस्ट रिकॉल ऑल द थिंग्स, आपके आर्की में आएंगे जितने भी हॉट स्प्रिंग्स बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गर्म टेम्परेचर में रहते हैं बच्चों. यूकेरियोट में जितने भी आपके यूकेरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया में जितने भी आपके नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं विच यू कैन विच यू डील विद डे टू डे लाइफ, लाइक एज समटाइम्स यू कैन हैव बैक्टीरिया ओवर योर फेस ऑल्सो. अभी इस टाइम मेरे हाथ में इतने बैक्टीरिया होंगे, पता नहीं कितने कितने बैक्टीरिया होंगे इस टाइम. ठीक है, सो नाउ द एट लास्ट द व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन आर एच वाई टिकर एंड सिक्स किंगडम वॉज योर कार वूस. ठीक है, so we will just finish this video by little difference, by just studying the little difference between your chordates and your vertebrates. Fine. Okay, last but not the least, to hum end karenge is video ko by just having the general differences between your chordates and your vertebrates. But before that, the first important line is ki all the chordates, they possess your four characters which we have discussed, the notochord, the dorsal holo nerve cord and your pharyngeal gill slits and the post anal tail. ठीक है, pharyngeal gill slits याद रखना. अगर हम fishes की बात करते हैं तो वो gills में develop हो जाती हैं for the respiration. अगर हम एक organism की बात करते हैं which is a terrestrial organism, तो that develops into your throat, inner throat linings and your inner ear की जो linings होती, जो jaws होते हैं और जो inner ear के ये वाली जो चीज होती है, that is it's basically developed from the pharyngeal gill slits और throat slits हम इन्हें बोलते हैं. ठीक है, some chordates do not have vertebral column. कुछ chordates में backbone नहीं होती है, whereas all the vertebrates, जिन सभी के पास backbone होती है, all the vertebrates, जो हमारे vertebrates होते हैं उनके पास vertebral column होती है. ठीक है, पहली तो ये बात हमेशा याद रखना. दूसरा, जो chordates होते हैं, एक डायग्राम मैम ने यहाँ पे बनाई है बच्चों, जिसके ऊपर ये एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, नोटोकॉर्ड हम बोल सकते हैं कि इट्स अ फ्लेक्सिबल होगी. फॉर एग्जांपल मान लो, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन एम्ब्रियो होता है इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है, दैट इज बेसिकली फॉर सपोर्टिंग द बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, विच इज मीन्स जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है. तो जो कॉर्डेट्स है उसमें जो नोटोकॉर्ड है, दैट परसिस्ट एट सम पॉइंट ऑफ द लाइफ. ठीक है, हो सकता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उनके पास नोटोकॉर्ड होती है, मींस फ्लेक्सिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है. और ये भी हो सकता है कि ये जो कॉर्डेट्स है उनकी एडल्ट स्पीशीज में भी ये परसिस्ट कर सकती है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्डेट्स. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट होती है. दिस इज द नोटोकॉर्ड, दिस इज अ फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. इसके ऊपर ही आपका डॉर्सल होलो नोटोकॉर्ड, आपका नर्व कॉर्ड होती है. नोटोकॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. ठीक है, हो सकता है कॉर्डेट्स में इट इज नॉट गोइंग टू, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हो सकता है कि ये वैसी की वैसी ही रहे कॉर्डेट्स में. ठीक है, एंड बट इफ वी टॉक अबाउट योर वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है, जो हमने ये चीज पढ़ी थी विच वॉज द फ्लेक्सिबल रॉड लाइक कॉर्ड, नाउ इन द एडल्ट स्टेज इट कैन डेवलप इन टू योर वर्टिब्रल कॉलम, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो. अगर नहीं होती ही होती, क्योंकि दीज आर जो आपके फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वर्टिब्रेट और जो आपके कॉर्डेट है दोनों में एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, बट डिफरेंस हमेशा कहाँ आता है, आपके बैकबोन में आ जाता है. बट वी हैव एक्सेप्शन ऑफ द हैगफिश. हैगफिश के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम हैगफिश के बारे में बात करेंगे. तो मैं आपको बता रही थी, जो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, जब एडल्ट स्टेज आती है, देन इट कैन डेवलप इन टू योर वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स योर बैकबोन. ठीक है, एंड ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन है, वो क्या करती है, इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द नर्व कॉर्ड. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे बैकबोन प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड इस नोटोकॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रख रही थी, वही डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है वर्टिब्रेट्स में. स्पाइनल कॉर्ड मींस योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इट बोथ ऑफ देम, इट रिप्रेजेंट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी बनती है, दैट इज डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड. इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हमारा नोटोकॉर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है, जो बैकबोन में डेवलप हो जाता है. बट कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है,
कुछ पॉइंट ऑफ लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है, कभी ये एडल्ट में भी हो सकता है. एंड दिस नोटोकॉर्ड इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि दिस इज इंपॉर्टेंट. और फेरिंजियल गिल स्लिट्स के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि अगर हम फिश की बात करें तो वो गिल्स में रेस्पिरेशन के लिए हो जाती है एंड फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो. एंड इन केस ऑफ योर वर्टिब्रेट्स वो थ्रोट स्लिट्स में हो जाती है, इनर ईयर्स और जॉज में. ठीक है, so that's all for today. let's end up this video now. I hope aapko jitna bhi maine padhaya utna samajh mein aaya hoga. try to retain it and in the next video we are going to study about the taxonomicates. so do watch my videos continue in the continue motion so that beech mein gap na pade. theek hai, and thanks for watching the video. for more such videos kindly subscribe, share and also comment in my channel. I'll be dealing with you. I'm always with you. thank you and have a nice day to all my inquisitive minds. thank you to all.